बात करते हैं जनाब आईआरपी की, और उसके बाद आपको बताएंगे गौहर कुछे की गार्ड्स एंड पार्क्स को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। लेकिन बात इंडियन रिजर्व पुलिस की करते हैं। आईआरपी के जवानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मरकजी दाखिला वजारत ने बाजाबता तौर पर आईआरपी के मामले पर नजरसानी करने का फैसला लिया है, और गवर्नमेंट चाहती है कि आर्म फोर्स की तरह आईआरपी को भी लिया जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरह उन्हें भी मुराद दिए जाएं। और इस सिलसिले में दाखिला वजारत ने बाजाबता तौर पर जम्मू कश्मीर होम मिनिस्ट्री और जो होम डिपार्टमेंट और डायरेक्टर जनरल पुलिस से कहा है कि वो डिटेल रिपोर्ट जी सेंड करें मरकजी वजारत दाखिला को, ताकि ये देखा जाए कि इंडियन रिजर्व पुलिस को किस तरीके से एट पार लाया जाए आर्म फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन एवेन्यूज अदर फैसिलिटीज और नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स लेवल पर इसको कैसे लाया जा सकता है। जब ये फाइनलाइज होगा और अप्रूव होगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद इस मसौदे को भेजा जाएगा मरकजी हुकूमत के सामने, जहां पर इसको फाइनल अप्रूवल मिल सकती है। फिल वक्त बहुत ज्यादा तफावत आईआरपी और आर्म पुलिस के अंदर है, और अब इस तफावत को खत्म करने के लिए दाखिला वजारत ने एक कदम आगे बढ़ाया है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया स्पेशली होम डिपार्टमेंट से कहा है कि वो एक प्रपोजल जी सेंड करे, और वो प्रपोजल सॉलिड प्रपोजल हो जिसमें तमाम तर शवाहिद और तमाम तर मामला को नजर में रखते हुए बताया जाए कि किस तरीके से इसको एट पार किया जाए। याद रखिएगा आईआरपी के जवान पिछले कई सालों से लगातार दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन इस बात को बता रहे थे कि तफावत को खत्म किया जाए, क्योंकि काम उसी तरीके का वो कर रहे हैं जिस तरीके से अदर आर्म फोर्स जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। तो इंतजार रहेगा कि क्या कुछ अब दाखिला महकमे की तरफ से और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बात सामने रखी जाएगी, जब ये प्रपोजल मूव किया जाएगा मरकजी हुकूमत की ओर।